बहुत सुंदर सी एक घटना हमें याद आती है। जब हम छोटे थे तो हमारे दादाजी सदैव हमें प्रेरित करते थे कि अगर एक पेड़ गिर गया है तो उसके जगह दो पेड़ और लगानी चाहिए। वो सुपारी का पेड़ हो, नारियल का पेड़ हो, या काजू का पेड़ हो, कोई भी एक पेड़ गिर जाता है बारिश के कारण, हवा के कारण या कुछ कारणों से, लेकिन हमारे साथ चलते थे दादाजी, दो और पेड़ लगा देते थे, छोटे छोटे, अच्छी तरह से उसका पालना करना सिखाते थे। रोज कहते थे जो पेड़ आपने लगाया है उसको पानी देते रहो, उसे संभालते रहो, उसे पशुओं से, अन्य जीवियों से उसकी सुरक्षा करते रहो। ऐसे ही एक बार क्या हुआ था, हम सब दादाजी से मिलकर कुछ पेड़ लगा रहे थे छुट्टियों में, तो हमारे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, हमारे रिश्तेदार थे। उन्होंने दादाजी से क्या बोला, अभी तो आपका जाने का वक्त है, फिर भी इन चीजों में क्यों लगे हुए हो, काजू का पेड़ लगा रहे हो, काजू तो खाने से रहे आप, क्योंकि अभी काजू का पेड़ बड़ा होगा तो फिर वो उससे काजू निकलेगा तो आप कैसे खाओगे, आप तो नहीं खाएंगे, फिर भी क्यों लगा रहे। दादाजी ने मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर से एक जवाब दी कि आज आप ये जो पेड़ देख रहे हो, बहुत घने अश्वत्थ वृक्ष हमारे घर के सामने दिखाई दे रहा था, और बिल्व वृक्ष था और खटहल के वृक्ष थे, ये बड़े बड़े जो पेड़ आप देख रहे हो ये मेरे लगाए हुए नहीं है, और मेरे आने से पहले हमारे पूर्वजों ने लगाया है, और इसका फल शायद उन्होंने खाया नहीं है लेकिन हम खा रहे हैं, इसकी छाया की अनुभूति भी उन्होंने की नहीं है लेकिन हमको ये छाया दे रही है। इसी तरह अगर हम भी पेड़ लगाएंगे, शायद हमें उसका फल मिले ना मिले, उसकी छाया का अनुभव हम करें ना करें, लेकिन आगे इस सृष्टि में जो भी मनुष्य होगा, वो हमारा रिश्तेदार हो या ना हो, लेकिन उसे इससे प्राप्ति होगी, तो यही तो जीवन है। खुद के लिए जीना वो भी क्या जीवन है, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए थोड़ा आगे का सोच के जीवन जीते हैं, यही तो अनासक्त कर्मयोग है जिसके बारे में भगवान हमें समझा रहे हैं।